दिल्ली में मकान की सील तोड़ने के मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। साथ ही अदालत ने उनसे एक हफ्ते में जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके की, जहां 16 सितंबर को दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कानून हाथ में लेते हुए एमसीडी की ओर से सील किए गए घर का ताला तोड़ दिया था। ऐसा करके मनोज तिवारी सोच रहे थे कि वो जनता के रहनुमा बन जाएंगे, लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे, लेकिन उनकी ये सोच उन पर ही भारी पड़ गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कोर्ट के आदेश पर मनोज तिवारी आज अदालत में पेश हुए थे। इस दौरान उच्चतम न्यायालय ने कानून हाथ में लेने पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने मनोज तिवारी के उस बयान पर भी नाराजगी जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1000 जगह ऐसी है जिसमें सील लगनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने मनोज तिवारी से कहा कि सुबह तक उन जगहों की लिस्ट दें, हम आपको सीलिंग अफसर ही बना देते हैं। कोर्ट की इस बात पर तिवारी के वकील विकास सिंह ने कहा कि ये लिस्ट नहीं मांगी जाए, क्योंकि ये सांसद है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये सांसद है तो क्या कुछ भी करेंगे। वही इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।